राम मंदिर के शिखर की पहली परत तैयार, 161 फीट होगी मंदिर की पूरी ऊंचाई, लगेगी धर्म ध्वजा। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के निर्माण का काम तेज हो गया है। शिखर की पहली परत बनकर तैयार हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शिखर निर्माण की प्रगति दर्शाती तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। नींव से लेकर 3 मंजिल तक राम मंदिर की कुल ऊंचाई 76 फीट है। इसके ऊपर शिखर का निर्माण हो रहा है। शिखर समेत मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट होगी। शिखर का निर्माण 85 फीट की ऊंचाई तक होगा। 29 लेयर में शिखर का निर्माण किया जाएगा। हर एक लेयर करीब 3 फीट ऊंची होगी। एक लेयर के निर्माण में करीब 1 सप्ताह का समय लगा है। शिखर निर्माण में करीब 300 विशेषज्ञ कारीगर लगाए गए हैं। शिखर का निर्माण पूरा होने के बाद शिखर के ऊपर 44 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड लगाया जाएगा। इसके ऊपर 6 फीट की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। ऐसे में शिखर की कुल ऊंचाई करीब 211 फीट हो जाएगी। शिखर का निर्माण फरवरी तक पूरा हो जाएगा। 300 करोड़ से जगमग करेगा अयोध्या बाईपास व एयरपोर्ट मार्ग। दीपोत्सव के लिए सवर रही रामनगरी का श्रृंगार सोलर स्मार्ट लाइट के जरिए भी हो रहा है। यूपी नेडा की ओर से 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख स्थलों पर स्मार्ट सोलर लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही अयोध्या बाईपास और एयरपोर्ट मार्ग जगमग करने लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद से अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की दिशा में सोलर रूफटॉप समेत सौर ऊर्जा से संबंधित कई परियोजनाएं पहले से संचालित हैं। यहां के तमाम पार्क और सड़कें सोलर लाइट से प्रकाशमान हो रही हैं। अब यूपी नेडा ने स्मार्ट सोलर लाइट लगवाने का काम शुरू किया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देश भर से पर्यटक व श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एयरपोर्ट के पास 60 स्मार्ट सोलर लाइट लगाई जा रही हैं। इसके अलावा यूपी नेडा की ओर से 58 सोलर स्मार्ट लाइट अयोध्या बाईपास के दोनों तरफ लगाई जा रही है। मंडलायुक्त आवास के पास 16, धर्मपथ के पास एक पार्क में 10 और मुक्तिधाम पर 6 सोलर स्ट्रीट लगाई जा रही हैं। यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमार पांडे ने बताया कि प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है। दीपावली तक चिन्हित स्थलों पर स्मार्ट लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।